अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, शत प्रतिशत मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डाले। सर, मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में एक या दो बूथ सब जगह जाकर के और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था, इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। लोगों से क्या अपील करेंगे, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है, शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। कांग्रेस के कल जनरल रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है।